मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। धनबाद से फरार गैंगस्टर प्रिंस खान की ओर से एक बार फिर से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। प्रिंस खान ने व्हाट्सएप मैसेज के जरिए बरवड्डा के सर्व मंगला नर्सिंग हॉस्पिटल के संचालक हरदेव प्रसाद सिंह से 1 करोड़ की रंगदारी की मांग की है। रंगदारी नहीं देने पर बुरा अंजाम भुगतने की भी धमकी प्रिंस खान की ओर से दी गई है। पहले ये सब माहौल नहीं था धनबाद में, हमको सखा हूँ ये पूछा हो हमको जाना है। पहले ये सब माहौल नहीं था धनबाद में, हमको सखा हूँ ये पूछा हो हमको जाना है। क्या बोलता है फहीम मियां का औलाद इकबाल हुआ कि शरीफ इंसान को मार दिया। ये चौमिन बेचने वाला इकबाल हुआ, दूध बेचने वाला कि शरीफ इंसान को, तो वो छोटा छोटा बच्चा था तो लाला खान क्या था, गुंडा था। जो लोग मरवा दिया लाला खान को सबके बारे में पता, रसीद महाजन, रसीद भट्टा, जमशेद बिल्डर, धनबाद ट्रांसपोर्ट वाला, कोई नहीं बचेगा, सबको मारेंगे, वादा है मेरा सबसे। कल शाम में सर 8:30 बजे पूजा करके व्हाट्सएप मोबाइल का सर्च कर रहे थे, उसी समय पता चला कि मैसेज आया है। एक पहला मैसेज मंडे को आया था, दूसरा ट्यूसडे को आया था और तीसरा कल करीब 8:30 बजे शाम में आया है। मंडे ट्यूसडे को हम नहीं देख पाए, किसी काम में बिजी थे। कल रात में 8:30 बजे मैसेज देखे तो हम लोग काफ़ी पूरे परिवार तनाव में हैं, डरे हुए हैं, भयभीत हैं। इसके बाद थाना प्रभारी महोदय बरवड्डा से बात हुई, उन्होंने भरोसा दिलाया, काफ़ी मदद किए। एक आवेदन जो भी व्हाट्सएप आया था उसके अनुसार हम लिखित रूप में दिए हैं। सुबह में थाना प्रभारी महोदय के पास मिले, वो आश्वासन दिए सुरक्षा का, बताए हैं कि हम जवान देंगे आपके सुरक्षा के लिए, जान माल के लिए। उसके अलावा हम एसएसपी साहब से भी बात किए, उनके ऑफिस में जाकर आवेदन दिए हैं, उन्होंने भी बड़ा सहयोग करने का आश्वासन दिया है और निर्भीक होकर के अपना काम करने के लिए बोले हैं। इसके अलावा हम आईएएम धनबाद चैप्टर जो है और स्टेट प्रेसिडेंट झारखंड के डॉक्टर एके सिंह साहब से मिले हैं, वहाँ भी एक विधिवत आवेदन दिए हैं, उनसे भी हम सुरक्षा का गुहार किए हैं। सभी जगह बड़ा कोऑपरेशन मिल रहा है, प्रशासन से भी, आईएमए से भी, लेकिन हमें एक बात का तकलीफ जरूर है। मैं तो एक बीसीसीएल से रिटायर्ड व्यक्ति हूँ, एक आम जिंदगी शांतिपूर्वक समाज में रहकर जीना चाहता हूँ, जी भी रहा हूँ। हमारे धनपत्नी डॉक्टर सुरमंगला मैडम जो हैं पिछले 20-22 साल से पूरे जिंदगी इस समाज के, गाँव के, गरीब गुरबा के चिकित्सा सेवा में समर्पित करती हैं, दिन रात एक करके लोगों को कम पैसा में इलाज करते हैं। अगर उनके साथ या हम उनके परिवार के साथ, मेरे साथ इस तरह की अगर धमकी साहब आती है तो ये मेरे लिए दुर्भाग्य है और हमें अफसोस जरूर मिलेगा कि हम आज तक समाज के लिए सेवा का भाव लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में अगर इस तरह सी धमकी मिले, जान से मारने की धमकी मिले, तो निश्चित रूप से हमारे लिए दुर्भाग्य होगा और डॉक्टर जो समुदाय है उनके लिए भी बड़ा ये तकलीफ की बात है कि सेवा के बदले में इस तरह की धमकी मिले। आप लोग मीडिया भाई आए हैं, हम निवेदन करेंगे कि इस बात को, हमारे दिल में जो दुख, तकलीफ, डर का माहौल है, इसको समाज में
प्रशासन के सामने इस तरह से आप उठाए ताकि आने वाले दिनों में दूसरे डॉक्टर के साथ इस तरह का व्यवहार। व्हाट्सएप में 1 करोड़ रुपया की मांग की गई है कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो हम जान से मार देंगे, गोली मार देंगे। इस तरह के मैसेज से हम लोग बहुत ही दुखी हैं। मंगला हॉस्पिटल के अलावा स्कूल का भी जिक्र किया गया है। साहब, हम लोग दोनों संस्था गांव के गरीब लोगों के लिए बनाए हैं, कम पैसा में हॉस्पिटल स्कूल दोनों चलता है। यह निश्चित रूप से सेवा का भाव है समाज के लिए, लेकिन इस बात का आप लोगों से अनुरोध है कि ऐसा प्लेटफॉर्म पर बात उठाइए ताकि भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।